भारतीय किसान यूनियन ने चकबंदी अधिकारी को बर्खास्त कराने हेतु डीएम को सौंपा ज्ञापन। तहसील हसनपुर के गांव फूलपुर में 5 दिन पहले किसान राजेंद्र कुमार के साथ चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी नितिन चौहान ने अभद्रता की थी, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसके बारे में जिला अधिकारी महोदय को अगले दिन ही अवगत करा दिया गया था। लेकिन 7 दिन बीतने के बाद कोई कार्यवाही चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी के खिलाफ नहीं हुई। इसी समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह व कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री महोदय के नाम पत्र लिखकर जिलाधिकारी अमरोहा को सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने आक्रोश जताते हुए चकबंदी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराने के लिए जिलाधिकारी से मांग की है। जी बताइए, आज जो क्या है? आज हम इसलिए आए हैं उनके पास, हमारे किसान से एक चकबंदी अधिकारी पास हमारे किसान के काम के लिए गए, जो उन्होंने अपने काम के लिए बात की तो उसने एक धमकी दी उन्हें कि मैं अपने कागज फाड़ कर तुझे जेल भेज दूंगा और जब जेल जाएगा तो भांग गोली मरवा दूंगा। और आज इस बात को 7 दिन हो गए, अभी तक लाभ को कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा कहना यह है, अगर यही बात कोई किसान बोल देता किसी अधिकारी से तो तुरंत गिरफ्तारी होती उसकी, 7 सेकंड के भीतर तुरंत गिरफ्तारी होती। तो आज 7 दिन हो गए, उसका वीडियो क्लियर रख देंगे, मैं भी देखा उसे साफ कर रहा है कि जेल में गोली मरवा दूंगा। अब जब ये गोली मरवाए किसानों का जेलों में भेज के, फिर तो दफ्तर को जाएगा ही नहीं। इसका शिकायत दिया था पहले, गाली भी दी, इसकी शिकायत कर चुके हैं एसडीएम जब की वहाँ, पुलिस शिकायत की इनकी। आप क्या चाहते हैं? कोई कार्रवाई नहीं की, हम भी चाहते हैं खिलाफ FIR हो और बाकायदे जो धारा है जो जहाँ से धमकी दी है वो गिरफ्तारी हो और सस्पेंड करिए।